हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय टीनाज एक्टिविटी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो। मैं भी अच्छी हूँ। अभी सुबह आ गई किचन में, अभी 10:30 हो रहा है। तबीयत एकदम ठीक नहीं है। ये ऑलमोस्ट 3 डेज हो चुका है। गला में बहुत दर्द, सर्दी, देन फीवर भी लग रहा है। शायद ये गर्मी की वजह से हो रहा है। वेस्ट बंगाल जो मीन्स हम लोगों के यहाँ पर, पूरा वेस्ट बंगाल नहीं बोलूँगी, फ़िलहाल वेस्ट बंगाल के बहुत सारे पार्ट्स में वेदर अच्छा है, बारिश वगैरह हो रही है, बट कोलकाता का हालत बहुत ख़राब है। बहुत 43-44 तक टेम्परेचर जा रहा है, 45 भी क्रॉस हो रहा है कुछ दिन। तो सोचिए, हम औरतों का जो हम लोग किचन में काम करते हैं, हमारा हालत ऐसे हो रहा है। तो फिर जो वर्कर्स धूप में काम करते हैं, जिन लोगों का घर उसी से चलता है, उन लोगों का हालत क्या होता है? रियली वेरी पेनफुल, बहुत ख़राब लगता है कभी कभी सुन के। देखती हूँ ना विंडो पे खड़ी होकर, या फिर बहुत जैसे वर्कर्स है जो बिल्डिंग में जो काम कर रहे हैं, उन लोग धूप में भी किए जा रहे हैं, इतने इतने टॉप फ्लोर पे चढ़ के। हैट्स ऑफ टू देम, रियली गॉड इज़ विद देम। यही होता है ना, जब तक रब ना चाहे तो किसी का कुछ भी नहीं हो सकता है। सो वेरी ग्रेट पर्सन दे आर लाइक। तो मैं आ गई, आज भी दिन में फिश ही बनाऊंगी, सिंपल सा बनाने वाली हूँ। एज थोड़ा सा वो झींगा आलू देकर एकदम पतला सा कुछ बनाऊंगी, तो मन नहीं कर रहा है खाने का भी। सुबह आज ब्रेकफास्ट में भी सिर्फ 2 बिस्किट ली चाय के संग। तो चलिए दिखाती हूँ क्या बनाऊंगी। देखिए यहाँ पे फिश निकाली हूँ, ये कतला फिश है, आज यही बनाऊंगी। अच्छा है, गर्मी में फ़िश खाना चाहिए। आप लोग भी फ़िश खाओ ज़्यादा से ज़्यादा, पेट ठंडा रहता है। फ़िश, झींगा वगैरह, देखिए सब। झींगा को मैं क्लीन करके रखी हूँ, बस इसे अब काटना है। मैं छील के रखी हूँ, ये बहुत अच्छा होता है। ये पॉपी सीड से भी बनता है झींगे पोस्तो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। एक बार बना के मैं शेयर करूँगी। पता है सभी को पता है, और जिसे नहीं पता है वो देखेंगे मेरे वीडियो, ट्राई करेंगे मेरे वीडियो से। और ये समर के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है। ये बोलो, देन लौकी बोलो। मेरा फेस का हालत देखिए, एक तो तबीयत भी गंदा है, देन गर्मी भी है। तो वही बोल रही थी, कुछ वेजिटेबल्स है जैसे झींगा हुआ है, लौकी, जैसे कद्दू भी बोलते हैं, वाइट पम्पकिन, समर के लिए बहुत अच्छा है। देन पपाया, रॉ पपाया, तो ये सब ज़्यादा खाओ। और क्यूकम्बर तो मस्ट है, मेरे घर पर तो एवरी डे रहता है। नॉर्मली भी अब समर के टाइम तो ज़्यादा से ज़्यादा ही क्यूकम्बर है। तो मैं अपना नेल से बहुत परेशान हूँ, आप लोग देखो। 2-3 दिन पहले नहीं, लास्ट वीक के बाद बोल रही हूँ मैं, कुछ दिन पहले मैं L18 का नेल पॉलिश ले आई थी। तो मैं उसे लगाई, 2 दिन भी नहीं हुआ, नॉट इवन 2 डेज। लगाने का आई थिंक आज लगाई तो कल रात, या वही 2 दिन ही पकड़ो, पूरा ये निकल गया। देखिए L18 कितना अच्छा ब्रांड है, इट्स कॉस्टली। मैं लैक्मी का यूज़ की, वही प्रॉब्लम, L18 का वही प्रॉब्लम, देन वो जो लोकल नेल पॉलिशेस जो आती है जो 10-20 रुपीज़ की, सेम प्रॉब्लम। मुझे तो पता नहीं चल रहा कि नेल पॉलिश कौन सा लगा। अगर आप लोगों को कुछ आइडिया है एक अच्छा सा नेल पॉलिश जो एटलीस्ट अ वीक रह जाए, तो डू कमेंट प्लीज़, मुझे हेल्प करना। मुझे नेल पॉलिश एंड लिपस्टिक, ये दोनों बहुत ही पसंद है, बस ये दोनों मुझे चाहिए। मुझे और उतना सारा मेकअप किट नहीं चाहिए, बस नेल पॉलिश एंड लिपस्टिक होने से ही मेरी हो जाती है। तो मुझे नेल पॉलिश के लिए प्लीज़ हेल्प करना, वरना ये बहुत गंदा लगता है। कितना बार इसे लगाते रहो बताइए, अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए कुकिंग करो, गर्मी बहुत है, फटाफट कुकिंग करके जाके देन बैठो। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा दाल धो ली, अभी से चढ़ाऊँगी। बेटी नहीं खाएगी फिश, तो उसके लिए तो बनाना ही पड़ेगा दाल वगैरह। तो सोची उसके लिए थोड़ा सा दाल और अंडा बना दूँगी, तो वो खा लेगी, उसका ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं हल्दी देके दाल चढ़ाती हूँ, हल्दी एंड नमक, थोड़ा सा नमक,
दैट्स इट, अभी से मैं कुक करूँगी। यहाँ पे फिश भी क्लीन हो गया, मैं विनेगर और सॉल्ट वाटर में भी कुछ देर डुबो के रखी थी, तो एक स्मेल जो रहता है ना फिश का वो चले जाता है। तो ये फिश मैं सोची थी झींगा से बनाऊँगी, बट कोई नहीं खाना चाह रहा है तो ये मैं कुछ और बनाऊँगी, तो टमेटो से सोच रही हूँ बनाऊँगी इसको। और झींगा का सब्जी मैं काट के रखी हूँ, देखिए झींगा एंड पटेटो इसका सब्जी बनाऊँगी। देखिए दाल भी बन चुका है यहाँ पे, सिंपल सा दाल। अब सिर्फ फिश करी बनाना है। बहुत गर्मी है, मेरा हस्बैंड गर्मी से पागल हो गया, और खौर बक रहे हैं, उसे पगला खाना भेज देना पड़ेगा। आप लोगों को कोई पगला खाना का एड्रेस बताए तो बताइए, मेरे हस्बैंड को भेजना है। हस्बैंड को खाली पगला खाना भेज दो और बेटर होगा। मैं आलू भी फ्राई कर दी, मैं झींगा का सब्जी में आलू दूंगी, इस तरीके से काट के फ्राई करके रखी हूँ। और यहाँ पे झींगा भी काट के रखी, इस तरीके से थोड़ा बड़ा बड़ा काटी हूँ, काट के इसे वॉश करके रखी हूँ। यहाँ पे बहुत ही सिंपल मसाला है जो रेगुलर हम लोग यूज़ करते हैं। पहले अनियन एंड ग्रीन चिली फ्राई की मैं, देन 1 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1 teaspoon हल्दी पाउडर, 1/2 teaspoon चिली पाउडर एंड 1 big टमेटो चॉप। अब इन सबको अच्छा से एकदम मशी होने तक कुक करना है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा वाटर। इसे अच्छा से कुक करना है, ये पूरा ग्रेवी को एकदम थिक कंसिस्टेंसी। इस तरीके से आप लोग झींगा का सब्जी बना के देखिएगा, झींगा या फिर तुरई, बहुत अच्छा लगता है। या रोटी चावल सभी के संग खा सकते हैं। दारा हैं 2 मिनट। देखिए यही मसाले में मैं अब फ्राइड पोटैटोज़ डाल दी, जिसे कुछ देर मिक्स करके अब मैं डाल दूंगी ये कटा हुआ झींगा। अब इन सबको तो पूरा अच्छा से मिक्स करना है। मैं अभी भी सॉल्ट ऐड नहीं की, क्यों ये सब्ज़ी से पानी बहुत निकलती है, तो ये थोड़ा कुक हो जाएगा फिर मैं सॉल्ट ऐड करूँगी, और इसमें पानी भी ऐड नहीं करना है। ये थोड़ा मिक्स करके ढक दूँगी तो इसका पानी खुद ही निकलेगा। बस इसी तरीके से कुक कीजिएगा, बन जाएगी सिंपल सा झींगा सब्जी। आप तुरई को भी इसी तरीके से बना सकते हो, ये बहुत यम्मी लगती है। चलिए कुक हो जाए, एट लास्ट उतारते वक्त सॉल्ट चेक कर लीजिएगा, सॉल्ट देकर कुक करके दिखाती हूँ फाइनल लुक। देखिए ये सब्जी का फाइनल लुक, अभी मैं गैस ऑफ की ना, देखिए बबल्स आ रहा है। ये आप कुछ देर रख दीजिएगा ना तो ये ग्रेवी दिख रही है ना, ये पूरा ड्राई हो जाएगी। मैं तो अभी गैस ऑफ की इसीलिए थोड़ा सा ग्रेवी लग रहा है, बट ये ड्राई हो जाएगा। ट्राई कीजिएगा इसी तरीके से झींगा सब्जी। इनको पगला खाना भेजना है, हमको कोई के पास एड्रेस है पगला खाना का तो भेज दो इसे, बहुत गर्म है, हमको पगला खाना भेज दो, हम शांति में रहेंगे। बेटी पढ़ रही है, रूम में एसी ऑन है, वो पागल जैसा बाहर घूमेगा तो क्या कर सकते बताइए। मेरा तो मजबूरी है, किचन में काम कर रहा है, मेरा बीवी इतना गर्मी में है, हम कैसा बाहर अंदर रह सकते हैं एसी में। बीमार बीवी हो के खाना बना के तुम लोगों को खिला रहे, इससे बड़ा क्या है। उनके संग बकबक करके फायदा नहीं, मेरा काम कर लूँ, बस फिश करी बनाऊंगी, बना के किचन का काम हो जाएगा, एकदम क्लीन करना है। सोची थी झींगा से फिश बनाऊंगी बट नहीं बनाऊंगी, सब्जी बना दी उसका, और फिश ऐसे ही बनाई मसाला से, मसाला फिश। और आज करेलियन फिश बनाई है, उसका रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी आप लोगों से, बहुत ही यम्मी खट्टा खट्टा बनता है, तो शेयर करूंगी उसका रेसिपी। और झींगा का सब्जी बना दी, बहन बोली नहीं मछली से मत बनाओ झींगा, ठीक है कोई नहीं, खाना सबका पसंद से होना चाहिए। ओके तो चलिए दाल सिर्फ बनाना पड़ा मेरे बेटे के लिए, अब देखिए वो खाएगी भी कि नहीं, कुछ बोलेगी फिर कुछ और बना के, तो लेट्स सी, नाटक भी तो उसका होता है। चलिए
देखते हैं उस वो खाएगी या फिर कुछ और उसके लिए बनाओ। देखिए मेरा फिश करी बन रहा है, केरला स्टाइल फिश करी, यम यमी फिश करी। अब ये बन जाएगी, मेरी बेटी की फरमाइश, वो दाल चावल नहीं खाएगी, अंडा भी नहीं, अंडा का कुछ स्पेशल बना के देने बोल रही है, तो चलिए उसके लिए कुछ और बनाती हूँ। वो जो दाल बनाई वो अब हम लोग खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, क्या कर सकते हैं बताइए, कुछ है ऑप्शन? तो उसके लिए अब कुछ और बोल रही है बना के देने के लिए, मुझे नहीं दाल खाने का मन नहीं है। मदरहुड इज नॉट सो ईजी फ्रेंड्स। पहले जब इसे ढक देते, पहले जब मेरी मम्मी जब ये सब बोलती थी ना, तो हम लोग बहुत मजाक उड़ाते थे, क्या हम लोग करते ही क्या है। अब समझ में आ रहा कि बच्चा लोग सही में क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकता है। तो नेवर माइंड, कुछ तो बना के देने होगा। वो टमेटो राइस बहुत पसंद करती है, देखते हैं, पूछते हैं टमेटो राइस खाएगी तो बना दूँगी एग ऑमलेट के साथ। वरना मैं सोची थी दाल बना दी, उसमें घी दे दूँगी, अंडा बॉयल कर दूँगी, खा लेगी। कोई नहीं, चलिए बना लो। मेरा पसीना हालत देखिए, मुझे सिर्फ मन हो रहा है कब ये काम कंप्लीट करूँ और थोड़ा लेट जाओ जाके, तबीयत एकदम ही अच्छा। मम्मी बोल रही थी कि कुकिंग कर दूँगी करके, फिर मम्मी का भी तबीयत ठीक नहीं है ना, हाथ में बहुत दर्द है मम्मी का, तो उनका भी एक साइड ऑपरेटेड है ना, तो इसीलिए उनका लास्ट ईयर उनको ट्यूमर हुआ था एक्चुअली, तो उनका राइट साइड ऑपरेटेड है, तो उनको भी तबीयत ठीक नहीं रहता, डायबिटीज़ भी है। तो देखिए हैं आप लोग अपनी मेरी मम्मी को, जो मेरे ब्लॉग पहले से देखते हो, एक हड्डी के इंसान है, ऐसे थी नहीं वो मम्मी मेरी, पहले मेरे जैसा थी एकदम हेल्दी, बट अभी बीमारी से वैसे हो गई है, तो क्या ही उन्हें बोलूँ, ज़्यादा बीमार होने से वो कर ही देती है, बट जब कर पा रही हो तो ठीक है, थोड़ा बहुत बीमारी चलता ही, तो चलिए झटपट काम कर लो, बहुत गर्मी लग रहा है। क्या पी रहा तू? देखिए उसको पीते पीते बोल, बाप रे बाप, आराम से पियो, क्लास हो गया तुम्हारा? हाँ, ये लड़की से पूछिए तो ये फिश क्यों नहीं खाती है, ए तुम फिश क्यों नहीं, देखिए इसको, देख रही है लड़की का हरकत, इसको जू कितना बर्फ ढाला है, तुम जो आवाज आ रहा है उसमें से दो ठो ठंडा पानी से जूस, फिर उसके ऊपर बर्फ, हम ना कच्चा बर्फ चिबा सकते हैं, कुछ नहीं होगा, ठीक है, पी लो, पी के ग्लास रखो, कच्चा बर्फ मत चिबाओ, बर्फ रह जाएगा तो उसको फेंक दो नीचे। देखो मेरा तबीयत कैसे खराब हो रहा है, देखो हुआ है ना, तुम बचपन से वैसे ही है, वैसे ही पाले है। मेरा दादी ऊपर से देख रहा है, तुमको बोलेगा अच्छा से। हाँ मेरा दादी, हाँ क्या मेरा दादी भी देख रही, तुम्हारा दादी तुमको कुछ गंदा कहाँ बोला, तुम्हारा दादी ऊपर से देख रहा तो क्या हो गया, हम तुमको कुछ, हम तो तुम्हारे लिए तो भी अच्छा हो रहा, फिश खाना चाहिए हेयर के लिए, हम लोग गर्ल्स लोग के लिए हेयर के लिए बहुत अच्छा है फिश, तुमको पता है, पर तुम्हारा दादी को भी तो मछली बहुत पसंद था, दादी को पसंद है, जब भी हम दादी का घर जाते थे तब मेरी दादी मेरे लिए चिकन वगैरह बनाता था, कभी मछली नहीं बनाता था, पर तुम छोटा में तो मेरे लिए अलग से कुछ और बनाता था, पर तुम तो छोटा में स्वीटू बहुत फिश खाता था, फ्राई फिश बहुत बचपन में एकदम, अभी क्या हो गया तुमको, डटी गर्ल, चिकन तुमको सिर्फ वही KFC चिकन दिया ही, सब दे दो, पैसा अपना पैसा से खाएगा, किसी को नहीं, सुनिए सुनिए आप लोग विटनेस है, हाँ ये अपना पैसा से खाएगी बोलिए, जिस दिन खाएगा मेरा फ्रेंड्स लोगों को बताना तुम, ठीक है, दिखाना, शो करना, प्रूफ देना, छोटा बच्चा ने तो गंदा लड़की, देखो ना तुम, देखो 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 शक्ल फेस दिखाओ ऐसी, देखो रुको रुको रुको, अच्छा मेरा हाथ हटा रहे, पिंपल्स देखिए, चिन दिखाओ अपना, देखो फोरहेड में भी, देखिए देखिए ये देखिए, मम्मी नहीं करो, ये फिश नहीं खाती है, अच्छा हम नहीं दिखा रहा, सीधा रहो, नहीं
करेला नहीं खाती है, करेला कुछ भी नहीं खाना चाहती, इसीलिए इसको देखिए इतना पिंपल्स हो रहा है इसका फेस वगैरह में, एकदम सुनती नहीं है कोई बात ये लड़की। बर्फ भी मेल्ट हो गया। हाँ देखो है, ठंडा पानी में बर्फ मेल्ट हो गया। शर्म नहीं लगता माँ, इतना पसीना में खट रहा है, तुम देखो बैठ बैठ के जूस पी रहा है। हम बोले तुमको बना के दो। अच्छा हम खाना बनाना छोड़ देगा कौन खिलाएगा तुमको है? यहाँ बेटी के लिए बना रही हूँ टमेटो राइस, उसका फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट। तो चलिए पूरा कुकिंग हो गई, ये हो जाने से काम डन हो चुका है। अब नहा धो के फिर मिलते हैं। देखिए मैं नहा ली, नहा के एकदम फ्रेश हो गई, आज शैम्पू की थोड़ा सा तो थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है। शैम्पू करने से थोड़ा सर भी हल्का फील होता है, एक्चुअली सर्दी की वजह से सर भी बहुत भारी भारी फील हो रहा था, तो इसीलिए ज़्यादा करके पानी ढाली हूँ सर पे ताकि सर थोड़ा लाइट फील हो, तो अच्छा लग रहा है अभी शैम्पू करने के बाद। तो चलिए अब लंच सर्व करती हूँ। आज मैं फ़िश करी बनाई हूँ और दाल चावल एंड झींगा का सब्ज़ी, बेटी के लिए टमेटो राइस एंड एग ऑमलेट, वो फ़िश नहीं खाती है। तो चलिए हम लोग लंच कर लेते हैं। आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा बताना, अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते एक नए दिन एक नए वीडियो के संग। टेक केयर, टाटा।